रीवा रंग महोत्सव में एक से बढ़कर एक नाटकों की प्रस्तुति रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जारी है। रंग महोत्सव के आयोजक बघेली के पहले नाटक को शब्दों में पिरोने वाले हीरेंद्र सिंह से हमारी टीम ने खास बातचीत की। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। हमारे साथ हीरेन सिंह मौजूद हैं। आज मैं बात करूंगा रीवा रंग महोत्सव की। रीवा रंग महोत्सव क्या है, किसको प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से आपने आज ये रीवा रंग महोत्सव कर रहे हैं आप? रीवा रंग महोत्सव जो है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो फिल्मी दुनिया से भी जुड़े हुए हैं और जो शहर के जो हमारे कुछ रंगकर्मी हैं, सभी साथियों की वजह से। इसके पीछे जो है मुख्य भूमिका में कहूँ तो दिनेश खन्ना साहब, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर रहे हैं और आजकल भारतीय नाट्य अकेडमी के निदेशक हैं, और श्री सुरेंद्र राजन जी जो मेरे मामा साहब हैं और फिल्मों से जुड़े रहे। मुन्ना भाई MBBS, जी जी हाँ, मुन्ना भाई MBBS और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। बंदनी सीरियल के वो अच्छे एक्टर रहे हैं और मशहूर एक्टर हैं, मशहूर फोटोग्राफर रहे हैं, और उन्होंने भी प्रेरित किया है मुझे कि ये रीवा रंग महोत्सव मैं करूं, और कुछ बाहर से जो है सहयोग मिल गया तो उसके ज़रिए अभी कर रहे हैं। उमित मिश्रा जी हैं जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, नज़रअंदाज, सुल्तान और ऐसी बहुत सारी फिल्मों के वो बड़े अभिनेता हैं, और आज बड़े अभिनेताओं में शुमार हैं। उन्होंने भी जो है प्रेरित किया, वो रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, एक लीजेंड है, लीजेंडरी पर्सनालिटी है थिएटर की, उनके नाटक जो होते रहते हैं बॉम्बे में डी फॉर ड्रामा ग्रुप के ज़रिए, तो उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि कभी होना चाहिए रंगमंच, हम उनका भी ग्रुप का भी बुलाएंगे। और दिनेश खन्ना साहब, उमित मिश्रा जी, रघुवीर यादव जी, रघु भाई जो हैं वो पुराने मित्र रहे हैं राजन जी के, तो मेरा मिलना जुलना होता रहा उनसे दिल्ली में, और इन दिनों वो शूट पे थे। अभी आपने कुमुद मिश्रा का नाम लिया, मैं अपने दर्शकों को एक बैनर दिखाना चाहूंगा। ये बैनर जो आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, ये रीवा के वो रंगकर्मी जिन्होंने यहाँ पर नाटक को नई जिंदगी देने का काम किया था। आदित्य प्रताप सिंह, कालिका त्रिपाठी, सभाजीत शर्मा, हरिकृष्ण खत्री, CL मिश्रा जी, बहुत सारे नाम है, ध्रुव सिंह परियार। मैं CL मिश्रा जी के बारे में बता दूं, सुल्तान में अनुष्का मिश्रा के ससुर यानी कुमुद, जिनका नाम अभी हीरेन सिंह जी ले रहे थे, उनके फादर। आप क्या कह रहे थे? जी, तो रघुवीर यादव साहब की बात मैं कर रहा था। रघुवीर यादव साहब मुंगेरे लाल के हसीन सपने से जाने जाते हैं, और मैसी साहब के लिए उनको बेस्ट अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था, और बहुत सारे सीरियल्स अभी पंचायत TVF ग्रुप। सीधा सा मतलब है, बहुत सारे बड़े कलाकारों ने रीवा रंग महोत्सव में करने की प्रेरणा दी रीवा में। हमारे साथ राजन भी हैं, ये भी बंबई में रहे, बहुत सारे सीरियल में इन्होंने काम किया। इन्हीं से पूछ लेता हूँ, कितने सीरियल किए? मेरा सौभाग्य था कि मैं सुरेंद्र राजन जी के साथ में बंदनी सीरियल में कई एपिसोडों में उनके साथ काम किया हूँ। जैसा कि दादा ने नाम लिया रघुवीर यादव जी का, तो रघुवीर यादव जी के साथ में सौभाग्य रहा, दो फिल्मों में काम किया है, भैया अनाड़ी, फौजी खिलाड़ी, और एक बात बात देख भाई देख करके एक फिल्म आई है, तो मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ मैंने काम किया है। आपका सौभाग्य था, ये रीवा का सौभाग्य था कि आप बंबई गए, यहाँ आए और लगातार काम किया। रीवा रंग महोत्सव के बारे में बताइए। रीवा रंग महोत्सव जो है 5 दिवसीय रीवा रंग महोत्सव है, इसमें 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इसमें लगातार मंचन होने हैं। इसमें 6 नाटक हैं, 6 नाटक, 3 नाटक अभी हो चुके हैं, और आज जो है भगवत अज्जिकियम जो आदेश सिंह जी लेके आए नाटक, आदेश सिंह जी का प्ले है जो बोधायन रचित है और कॉमेडी प्ले है, और दुविधा नाटक आ रहा है सपना से जो सविता दाहिया जी का है और बघेली में है, और आखिरी दिन का जादू का सूट सादात भारती साहब का है जो कटनी संप्रेषण ग्रुप से आ रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यहाँ रंगमंच की जिस दिन पहले दिन फंदी से शुरुआत हुई थी,
एक्ट एंड एक्ट की प्रस्तुति थी, कल राकेश मोहन का आधे अधूरे जो यहाँ इप्टा की प्रस्तुति थी वो खेली गई। शानदार प्रस्तुति, शानदार थिएटर में जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर रंग उत्सव का आयोजन करें, किस तरीके से परेशानियां आती? परेशानियां बस ये है कि अभी बाहर की भी हैं, मौसमी हालात हैं और थोड़ा तकनीकी तौर पे थोड़ी सी कुछ कमी है, लेकिन वो सब अभी थोड़ी थोड़ी सुधार की जरूरत है, बाकी वैसे कोई मुश्किल अभी फिलहाल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं, थोड़ी थोड़ी तकनीकी कमियां थी उसको भी जल्द ही पूरा कर लेंगे। काफी दिनों बाद हिरेन सिंह रीवा में सक्रिय हुए। प्रयास संस्था लगभग 40 साल का अपना सफर पूरा कर चुकी है, आज एक बार वो। मैं हिरेन के बारे में एक चीज और बता दूं, बघेली का पहला नाटक लिखने का इनको सौभाग्य भी प्राप्त है। हम इस उत्सव पर, रीवा रंग महोत्सव पर लगातार मौजूद रहेंगे, यहाँ जो भी नाटक खेले जाएंगे उसकी समीक्षा के साथ। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।